नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 5 मोस्ट रोमांटिक मूवीज़ की, जिन्होंने अपने समय में सिनेमा हॉल में काफ़ी भीड़ इकट्ठा की थी और ढेर सारा पैसा कमाया था। ये ऐसी फिल्में हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। इन फिल्मों को जितनी बार देखा जाए उतना ही कम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आती है मूवी आंखियों के झरोके से। ये मूवी सन 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें सचिन और रंजीता लीड रोल में थे। इस मूवी का म्यूज़िक दिया था रविंद्र जैन ने। इस मूवी के गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे कि लोग आज भी इसके गानों को नहीं भूलते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म कॉलेज की एक लव स्टोरी है जो सचिन और रंजीता के इर्द गिर्द घूमती है। गानों और स्टोरी की वजह से आप इस मूवी को ज़रूर देखना पसंद करेंगे। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आती है मूवी DDLJ, जो 1995 में रिलीज हुई थी, जिसकी स्टोरी लिखी है आदित्य चोपड़ा ने और म्यूज़िक दिया था जतिन ललित ने। ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म है, जो कि आज भी मराठा मंदिर थिएटर मुंबई में चल रही है। फिल्म में लीड रोल की बात करें तो शाहरुख खान और काजोल है। फिल्म इतनी पॉपुलर है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी स्टोरी बताने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कहूँगा कि फिल्म फुल पैसा वसूल है। दोस्तों, नंबर 3 पर है वीर ज़ारा, जो सन 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म इंडिया पाकिस्तान की कहानी है, जहां फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा लीड रोल में है। फिल्म के गाने बेहतरीन हैं, कहानी भी ज़बरदस्त है, जो कि लिखी है आदित्य चोपड़ा ने और डायरेक्ट किया है यश चोपड़ा ने। दोस्तों, नंबर 2 पे आती है आशिकी 2, जो 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक लड़के राहुल जयकर की है और एक लड़की आरोही शिकरे की है। फिल्म में लीड रोल में आदित्य राय कपूर हैं और श्रद्धा कपूर है। फिल्म की कहानी एक आम लड़की को स्टार बनाने की है। फिल्म के डायलॉग, कहानी, स्टार कास्ट बेहतरीन है। फिल्म के गानों की वजह से फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। और नंबर 1 पे आती है कबीर सिंह, जो 2019 में रिलीज हुई थी। कबीर सिंह में आपको दारू, गांजा, सिगरेट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कबीर सिंह साउथ में बनी अर्जुन रेड्डी की रीमेक है। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में दम नहीं है, लेकिन कहानी को जिस तरीके से फिल्माया गया है वो काबिले तारीफ है। और फिल्म के गानों की बात करें तो गाने सुपर डुपर हिट हैं। फिल्म में कबीर सिंह का रोल निभाया है शाहिद कपूर ने और प्रीति का रोल निभाया है कियारा आडवाणी ने। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पैसों के मामले में बढ़िया कमाई की थी। दोस्तों, ये सभी फिल्में बेस्ट रोमांटिक फिल्मों की श्रेणी में आती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।